और कैप्सिकम की सब्जी बनाएंगे। आलू और कैप्सिकम की सब्जी के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, ये जो मैंने पहले से बॉईल करके कट करके रखा हुआ है। ये दो ऑनियन है, इसको ग्राइंड करके रखे हैं पहले से। ये कैप्सिकम है, दो बड़े कैप्सिकम है, इसे कट करके रखा हुआ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये एक टोमेटो को मैंने प्यूरी बना के रखा है और एक टोमेटो को ऐसे कट करके रखा हुआ है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, ये काली मिर्च है, ये जीरा पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये नमक है, ये काजू का पेस्ट है, ये हल्दी पाउडर है, ये ऑयल है, ये दही है, ये कसूरी मेथी है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बना। ऑन करेंगे कढ़ाई को, गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें ये आलू को पहले हम फ्राई कर देंगे। आलू हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। आलू मैंने निकाल लिया, अब इसमें मैंने ऑयल डाला है मसाले भुनने के लिए। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो ऑयल गर्म होने के बाद ये ग्राइंड की हुई ऑनियन सबसे पहले हम डालेंगे। ऑनियन को हम फ्राई करेंगे ताकि ये कच्ची ना रह जाए, कच्ची ना रह जाए। प्याज हमारा पक चुका है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का ये पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे, इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये जो प्याज और टमाटर वो अच्छे से पक जाए। और ऑनियन हमारी पक चुकी है, देखिए अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। जीरा पाउडर है, काली मिर्च है, धनिया पाउडर, ये गरम मिर्च है, ये हल्दी पाउडर, ये नमक स्वाद अनुसार, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले हमारे आधे पक चुके हैं, अब हम इसमें काजू का ये पेस्ट डाल देंगे ताकि काजू का पेस्ट भी अच्छे से भून जाए। मसाले हमारे पक चुके हैं, ये देखिए, अब हम इसमें ये कर्ड डाल देंगे, दही डाल देंगे। दही भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए, मसाले के साथ। अब हम इसमें ये कैप्सिकम डालेंगे, कटी हुई कैप्सिकम। कैप्सिकम को ज़्यादा पकाना नहीं है, ये थोड़ा सा पकाना है, तो 5 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनेंगे। कैप्सिकम हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। ये देखिए, अब इसमें ये उबले हुए जो मैंने फ्राई करके रखे हुए आलू वो डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए, अब इसमें ये उबले हुए जो मैंने फ्राई करके रखे हुए आलू वो डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसमें ये कसूरी मेथी डाल देंगे, कसूरी मेथी को ऐसे क्रश करके थोड़ा सा इसे डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। कसूरी मेथी डाल के फिर 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। लगभग रेडी हो गई है, ये देखिए, अब हम इसे सर्विंग बाउल में डाल देंगे। ये देखिए, अच्छे से सारे फ्राई हो चुके हैं। कैप्सिकम का भी इसमें हम आलू कैप्सिकम की सब्जी हमारी रेडी हो गई है बनके। अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए हम ये क्रीम लिए हैं,
मैंने ये दूध का ये जो क्रीम होता है वही लिया मलाई, उसी से मैंने इसमें ये कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। कोरिएंडर लीव्स भी डाल चुके हैं। अब इसमें ये ऐसे ये कटी हुई ऐसे ओपन कर करके मैंने ऐसे डाला हुआ है ये ऑनियन, ये देखिए हमारी सब्जी पूरी तरह से रेडी हो गई है। बनाइएगा और बताइएगा कैसा।